नमस्कार साथियों, अभिज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन। देखते हैं एक नजर में आज की महत्वपूर्ण हेडलाइंस। कोरोना पर चीन को घेरने की अमेरिकी रणनीति। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस की जांच एजेंसियों से 90 दिन में रिपोर्ट मांगी, कहा पता लगाना होगा वायरस कहां से आया। व्हाट्सएप सरकार के नए नियमों के खिलाफ पहुंचा हाई कोर्ट। केंद्र ने सोशल मीडिया कंपनी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, सोशल मीडिया गाइडलाइंस पर टकराव। व्हाट्सएप पर केंद्र की सख्ती के बाद एक्सपर्ट बोले, सच में दोहरा रवैया अपना रही है कंपनी। निर्वासित तिब्बत सरकार के अध्यक्ष और नए प्रधानमंत्री चुने गए पेम्पा शेरिंग को धर्मशाला में शपथ दिलाई जाएगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल पहुंच सकता है, दो हफ्ते में ये पूरे राज्य में सक्रिय होगा। डीआरडीओ की कोरोना ड्रग 2G दवा के 10,000 पाउच का दूसरा बेच जारी किया जाएगा, दवा अब व्यावसायिक रूप से मिलेगी। समुद्री यास तूफान से बंगाल में 1 करोड़ लोग प्रभावित। ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। धन्यवाद।